ओवर द वीकेंड सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. डरना नहीं है, भरोसा रखिए, थोड़ी पेशेंस रखिए, क्वालिटी हमेशा पे करेगी. पर स्ट्रैटेजी तो सर बात करनी पड़ेगी, हालांकि सिचुएशन खराब है, बट आज के फिर संकेत कैसे समझना है सर? संकेत तो दीप देखिए, आज के संकेत, आज और शुक्रवार के संकेतों में कोई फर्क नहीं, सेम. ग्लोबल नेगेटिव, एफआईआई नेगेटिव, डीआईआई पॉजिटिव और एफएनओ न्यूट्रल है. सेंटीमेंट नेगेटिव, ट्रेंड नेगेटिव, वो यही शुक्रवार को था. कोई बदला नहीं, एक भी चीज इसमें कुछ भी बदली नहीं है. सपोर्ट जोन बता दो निफ्टी का, सोमवार को हमने एक दिया था 15,950-16,050, क्योंकि आज हम उससे बहुत नीचे खुल रहे हैं. तो पहला सपोर्ट जोन जो डीप निकल कर आता है वो आता है 15,875 से 15,925, उसके भी नीचे खुलने का चक्कर है. तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो मेरे लिए है वो 15,650 से 15,775 है. 15,650-15,775 इस रेंज में कहीं पहुंचकर रुकने चाहिए. इसके नीचे वाले हैं 15,550-500 के आसपास आता, वो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि इतना मैं सोच भी नहीं रहा कि इतना भी गिरना चाहिए, ना गिरे तो बेहतर है. ये तो 15,550 फिर अगला सपोर्ट रेंज निकल कर आता है. फिलहाल आपके लिए तो गैप से खुलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए जो है वो 15,650-15,775 है, ये मान के चलिए. ठीक है, ऊपर 16,125-16,250 ये 125 पॉइंट की रेंज, जो 16,133 का लो हमने बनाया था शुक्रवार को और जहां बंद हुए 16,250, ये आपके लिए ऊपर की रेंज हो गई. इसके ऊपर निकलना मुश्किल है. 16,350-16,450 बिकवाली के लिए अच्छी जगह है. बैंक निफ्टी आइए, शुक्रवार को भी हमने कहा था 33,900-34,100 के आसपास की रेंज, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया, 34,100 से घुमाए. आज भी पहला सपोर्ट जोन तो वहीं है 33,900-34,100, लेकिन जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए सीधा आप खुलेंगे 33,500-36,000 के आसपास, वहां पर खुलेंगे. और उसके बाद आखिरी लेवल जो दीप मेरी निकालने की हिम्मत हुई, वो भी मैं सोच नहीं रहा था, लेकिन जिस स्पीड से एसजेक्स गिर रहा था मुझे लगा एक और नीचे का निकाल लेना चाहिए, वो 33,100 के आसपास का आता है. हाँ, तो अब वो 33,000-33,200 की रेंज में कहीं जाकर. सर आप बड़े लेवल मत दिए, मैं तो देने ही चाहता हूँ, क्या करूँ तो, मतलब मैं तो आप बोलो तो 7 दिन छुट्टी ले लूँ. मतलब सारे हमारे एक्सपर्ट घूम घूम के आ गए, मैं भी चले जाऊँ एक बार के लिए, हो जाए फिर आऊँ 7 दिन बाद ही. लेकिन बात तो ये है कि जब सुख में साथ है तो दुख में भी साथ है. करेक्ट, मुसीबत में छोड़ नहीं सकते हम, जो है वो है. इस समय तो और ज्यादा जरूरत है, हालांकि मैं कुछ कर नहीं रहा, कर भी नहीं सकता. समझाने के लिए तो कि थोड़ा आप वो कहते हैं ना कि भाई कहीं कोई ऐसी खराब, आप जाते हैं तबियत पूछने तो क्या, आपके पूछने से थोड़ी ठीक होता है, वो तो दवा खाने से और खुद की हिम्मत से ठीक होगा आदमी, है ना. तो आपकी दवा आपका पैसा है, आपकी हिम्मत आपकी है. करेक्ट, सो जो होगा वो आपका ही होगा. मैं तो आपके आके तबियत ठीक हो जाएगी, अच्छा मॉरल सपोर्ट, आराम करो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उतना ही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हमारी ताकत है नहीं. बाकी तो जो करना है दवाई करेगी या डॉक्टर ही करेगा. एनीवे, तो चलिए आराम से शांति से रहें, सब ठीक होगा. 33,900-34,100 और लास्ट जो है वो 33,100-33,250. अब आइए बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ. 34,935-34,100 ये पहली रुकावट की जगह है और स्पेशली गैप से नीचे खुलने के बाद यहां पर, ठीक है ना. तो और इसके ऊपर निकलने पर 35,225-35,425 और फाइनली 35,750-35,975, यानी कि अब अच्छे समय में भी 36,000 के ऊपर की अपसाइड नहीं है और बैंक निफ्टी में 16,500 के ऊपर की अपसाइड नहीं है आज की गिरावट के बाद. मतलब अब जो हम ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोचेंगे कि भाई क्या ट्रेंड को नेगेटिव से न्यूट्रल किया जाए या ट्रेंड रिवर्सल भी जल्दी हो जाएगा बोलना दीप, कब आपको सोचना है कि हम कमजोर होना बंद हो गए. मजबूत होना शुरू नहीं बोल रहा हूँ, कमजोर होना बंद हो गए, फर्क है. ये मेरी लैंग्वेज में मैंने भारत सरकार से सीखी है, क्योंकि उन्होंने एक बार संसद में बोला था हमारे पहले जो वित्त मंत्री जी, कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है. एक शब्द होता है इलीगल है, दूसरा लीगल नहीं है, है ना, फर्क है. वो दोनों में जो फर्क है वैसे ही कि एक मजबूत होना, एक कमजोर होना बंद हो जाना, दोनों में फर्क है. यहाँ हम मजबूत नहीं हो रहे, कमजोर होना बंद करेंगे. 16,500 के ऊपर जब हम बंद होंगे तो हम कमजोर होना बंद करेंगे. 36,000 के ऊपर जब हम बंद होंगे बैंक निफ्टी पे तो हम कमजोर होना बंद करेंगे. तो ऊपर की तरफ आपको ये दो लेवल ध्यान में रखने, 16,500-36,000, उसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ होता है. ठीक है, आइए, तो ये हो गया आपके लिए ऊपर के लेवल 36,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सेल जो है. अब आइए निफ्टी के सपोर्ट लेवल दे देता हूं. 16,125-16,050 ये तो मतलब ही नहीं इसका, सीधा 15,900 ये भी गया, 15,850 इसके पास दिख रहे हैं, 775-675 एक और जोड़ दो भैया, इतनी जगह भी है, बड़े बड़े फोन लेके 15,550 नहीं रहने दो,
बहुत ज्यादा आ जाता नहीं, आ जाता है 550 सर सीधा 625 छोटा सा 625 है बीच में, 15-625 रखना चाहे तो एक छोटा है लेवल, 15-625 लिख दो चलो ठीक है खुश करने के लिए क्या करेंगे दीप, ऐसे ही है यार, हायर लेवल 16,350 400 475 और 500 ये सारे हैं, 16,250 पे आप बंद हुए तो बीच में वो एक आपके लिए लेवल हो गया ठीक है। बैंक निफ्टी 34,100 जो शुक्रवार का लो है, 33,900 यहां से हमने पूरी रिकवरी देखी थी, अब 33,900 के नीचे बैंक निफ्टी पे नई रिस्क जो खुलती है वो है 33,750 33,600 33,500 33,250 और 33,100 तक के लेवल्स आपके लिए नीचे की तरफ बैंक निफ्टी पर। ऊपर आप बंद हुए 34,400 के आसपास, 34,725 900 950 35,100 ये तो छोटे वाले लेवल है, इसके बाद 35,225 375 और 35,550 ये फाइनल लेवल आज के लिए। डन सर, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस आज के लिए। डेटा आप बताएं सर, एफआईएस की पोजीशन पीसीआर कैसे देख रहे हैं? एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 45% से करके 43% आई, अच्छी बात है कि अब और ज्यादा इंडेक्स बेचेंगे नहीं है, वैसे है भी नहीं इंडेक्स में, परसेंटेज में आपको लग रहा होगा लेकिन वैसे क्वांटिटी में इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की बहुत ज्यादा है, कमी कर रखी है उन्होंने। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घटाया 0.85, अभी भी ओवरसोल्ड तो नहीं है, विक्स में कोई खास बदलाव नहीं, आज हो जाएगा मौजूदा पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 16,100 जिसके नीचे आप खुलेंगे, और अगर क्लोज भी आप इसके नीचे होते हैं तो फिर मतलब इंटरडे नीचे खुलते ही आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो जाता है ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 33,900 के नीचे आपका इंटरडे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और क्लोजिंग भी, वैसे तो क्लोजिंग आपका 34,400 पे भी हो गया था लेकिन फिर भी किसी ने रखा 33,900 ठीक है। शॉर्ट पोजीशन अगर आप हैं तो स्टॉप लॉस दूर है लेकिन 16,500 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, 16,500 के ऊपर है बैंक निफ्टी में, मैंने छोटा दिया है, वैसे तो 36,000 का निकल कर आता है शॉर्ट पर स्टॉप लॉस एक ही, लेकिन इतना लंबा रख के मतलब नहीं, तो 35,100 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इंट्राडे और 35,500 क्लोजिंग। निफ्टी में भी अगर किसी को छोटा रखना तो 16,250 पे भी बाद में ला सकता है एक बार गैप से आने के बाद में, बट अभी फिलहाल 16,500 रखेंगे तो ठीक है जी। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी पर सर, बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस में वही 35,100 इंटरडे में और 35,500 और डीप। इससे पहले आप सवाल कि आज खरीदने और बेचने की मैंने स्ट्रेटजी अलग से नहीं दी, उसका रीजन क्या है? पहली चीज तो ये कि 400 सवा 400 अगर 450 आपका नीचे दिख रहा है तो बेचने के लिए नीचे के लेवल कम बचे, 775 675 625 550 ये सारे लेवल है ठीक है, तो वो लेवल तो रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बैठ नहीं रहा। लेने के लिए अभी क्या मैं बोलूं, मतलब एक बार कहां आज क्या है, आज प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत के आधा घंटे में बड़ी समस्या है क्योंकि ये आज फिर से वही मार्जिन कॉल ट्रिगर होने वाला मामला आएगा। यस सर, है ना, क्योंकि जिस तरह से तेज गिरावट हो रही मार्जिन कॉल्स आपके ट्रिगर होंगे होंगे करेक्ट, तो अगर मार्जिन कॉल्स आपके ट्रिगर होंगे तो फिर वो कहां जाके रुकेंगे? अब 15,500 अभी तो 16 से भी निकलना पड़ेगा, 16 की आदत पड़ी थी, 15,550 15,625 पे लेना चाहिए या 15,675 पे लेना चाहिए, 15,500 पे लेना चाहिए, समझ नहीं आ रहा, तो देखेंगे दिन के दौरान बाद में, अभी कुछ भी नहीं, शांति से होने दे एक बार ठीक है चलिए। और बैंक निफ्टी में भी सेम वही हाल है, 35,900 के नीचे मैदान खुल जाता है तो छोड़ो, इसलिए मैं आज स्पेसिफिकली बाय या सेल दोनों की राय, शॉर्ट करने आया इतना गैप्स के नीचे बाद क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे? करना है आपको एग्रेसिवली कर लो, 25-50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे स्टॉप लॉस है, प्रीमियम इतनी ज्यादा पुट और कॉल दोनों में है कि आप प्रीमियम देके कमाना भी मुश्किल काम है, मतलब प्रीमियम देके आप अपनी स्किल से नहीं कमा सकते, किस्मत से कमा सकते, ये सोच के कि भाई अगर किसी ने पुट ऑप्शन खरीदा है शुक्रवार को ये सोच के कि भाई बड़ा गैप से मिल जाए, तो ऐसे 2 दिन तो लगा नहीं ना इतना गैप बनेगा, ये तो आज बन रहा है, आज बन रहा है। तो किस्मत से ज्यादा पैसा बन रहा है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कभी भी बना लेंगे फिर तो साल के 364 दिन और हैं शांति रखिए, कुछ नहीं है, मतलब आप स्किल ट्रेडर कर ही सकते हैं तो एक अलग बात है, बाकी नया कोई ऐसा बहुत गिर गया, ये बहुत गिर गया वाला तो 17,500 में भी लगता था, 18 में भी लगता था, 17 में भी लगता था, 16.5 में भी लगता था, 16 में भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है, मौत गिरने की तो कोई लिमिट नहीं है ना जी। हालांकि रोज इसी स्पीड से गिरेगा तो 16,000 पे ना भी हम 16 16 32 500 पॉइंट अगर रोज गिरे तो 32 दिन में मार्केट बंद हो जाए, ताला लग जाए, करेक्ट, वो होगा नहीं वो हमें भी पता है करेक्ट, तो ठीक है निकल जाएगा टाइम, शांति से रखिए, ज्यादा उछल कूद ना करें, जो है उसको संभाल लें, बस उतना काफी। अंडरस्टूड सर, ठीक है। डेटा में कुछ कौन सा डेटा, अभी तो जा नहीं दे।